Reading Bhabhi by Ismat Chugtai, Hindi/Urdu. Bhabhi bhiha kar aayi thi to mushkil se 15 baras ki hogi. Bharwar bhi to puri nahi hui thi. Bhaiya ki surat se aisi larasti thi jaise kasai se bakri. Magar saang bhar ke andar hi wo jaise muh band khali se khilkar phool ban gayi. Aankhon mein hirno jaisi dehshat dur hokar gurur aur shararat bhar gayi. Bhabhi azad fiza mein pali thi. Hirniyon ki tarah kulache bharne ki aadi thi. मगर ससुराल और मैं का दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थ न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी, हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसाकर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना सबरना ही छोड़ दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी, आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। स्वभावी ज्यादातर गुलाबी या सुर्ख कपड़े ही पहना करती, गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेज चुपड़कर बांधे गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पैर दर पैर बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली थज्जी सी बांध लिया करती थी। उसकी मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसे ही बड़ी प्यारी लगती थी और मैं के ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुघर नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चेन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें नए फैशन के बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मूरी की सलवारों से तो वो ऐसे चलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहनी रहती। कोई औपचारिक मेहमान आ जाता तो अमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती, और जो कभी बाहर जाना ही पड़ता तो लिथड़ी हुई सी साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थिन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे बन सवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉर्डर बनी अंधेर और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुए ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था, हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए और भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। धाई से फुटबॉल आकर एन भैया की प्याली में पड़ी, सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे, कौन पाजी है, उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी, एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह, एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हा भैया ऐसे उछल कर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डांग पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए, देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेर कर खिसियानी हंसी हंस रही थी, और हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लेकर अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उनका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा, और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी जोर जोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया वो उसी दिन अपने चचा खालिद जमील के यहाँ आई है, अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुड़काने लगी जो इत्तफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्कारा लगी आंखों से घूर रही थी और भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करण से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया था। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ा कर दम तोड़ दिया था। उसके हाथ ढीले हो गए, प्लेट के पापड़ घास पर गिरने लगे, फिर एकदम से वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए।
शबनम फुदककर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल स्याह भौरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था, होंठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नील पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकन इश्तिहार का मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट पर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में फिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही पर फड़फड़ाए बढ़कर दबोच लो। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होंठ भीचे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा से तकिया हो, और भाभी हमेशा हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे चढ़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना बड़ा अजीब लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहा मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी हैं, मैंने भाभी को धमधम जाते हुए देखकर कहा। भाभी, शबनम हैरतजदा होकर बोली, इनकी भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर तुम भी सिली, शबनम हंसी और भैया उठकर चल दिए। खुदा की कसम, ओह जहालत, नहीं, भाभी ने माटे से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब ये मुझसे 3 साल छोटी है, मैं 26 की हूँ, तब तो कतई छोटी है। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कुछ कमजोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफरत है, बुरा लगा होगा ना उन्हें? अरे नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी, कौन, भाभी? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी, 25-26 साल के थे, मगर मुझे तो मालूम ही ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं, शबनम ने हिकारत से मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है, भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था तब शादी हुई थी, मगर तब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मलिका हैं, बच्चों की मलिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो नहीं? दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है, इन्हें जानकर शबनम को चोट थी, मगर वो बेवकूफ ना थी। भाई चाहे कोई मुझे प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। और माफ करना, तुम्हारी भाभी कभी होंगी बहुत खूबसूरत, मगर आपका नजरिया भैया से अलग है, कहकर मैंने बात टाल दी। और वो बल खाती सीधी सुदौल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी, और भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, वो बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे जैसे किसी ने वहां जलती हुई आग रखती हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलट कर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तौला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई अपना तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नजर न जाने आने वाला तार देख लिया था। वो तार जोश भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सांबा नाच रही थी। उसका नन्ना सा पिकनीस कुत्ता टांगों में उलझ रहा था, वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सुडोल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी, काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में गुस्सा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ कर ही नहीं रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, कूल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होंखे एक दूसरे से जुदा लरश रहे थे। उसने सांप की तरह लब से जबान निकालकर अपने होठों को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा,
मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी, इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी, इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर वो क्यों खड़े उसे तक रहे थे, और ऐसे भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म सांबा की ताल पर लरस रहा था और उन्हें खबर तक ना थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज दी और भाई और बॉय से बोला भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को भी बुलाना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कि कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पर्दे पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई तो ना जाने क्यों मुझे वो बड़ी मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो और चिमट गया। अभी दोनों और चले आंटी। नहीं बाबा आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने मुन्ने को उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती, इतने बड़े ऊंट के ऊंट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हैं। भाभी को आधा देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है, मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी, भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चूहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज्यादा महली रहने लगी, पहले से भी ज्यादा खाती। हम तो सब ज्यादा हंस रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ थी। चटनी लगा लगाकर भजिया निकल रही थी, सीखे हुए टोस्टों पर ढेर सा मक्खन लगाकर खाई जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नजरों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम दो थज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्होंने पकड़ लिया और फिर हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथ से बोबल मछली की तरह फिसल जाती और फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे और भाभी लज्जित होकर फौरन पुडिंग या कोई और मजेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई, उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रसाई लपेट दी थी। कपड़ों में तो वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। तुम तो देखो बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। चार बच्चे होने के बाद कमर, मेरे भी तो चार बच्चे हैं, मेरी कमर तो डनलप पिल्लो का गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सुडौल जिस्म को ठोक बजाकर कहा। और भाभी मुंह थोथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती झुरझरियां लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होंठ सफेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख, कटारचे की गुड़ियों जैसे मोटे मोटे गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेरी ली जैसे खुबानियां ना हो सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का एक टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रही। हद है, उन्होंने नथुने फड़का कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान ना दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उंडेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाते देखकर ऐसे मालूम होता था जैसे वो ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर
چربی کی دیواروں کو چیرتا ہوا ٹھیک دل میں اتر گیا۔ موٹے موٹے آنسو بھابھی کے پھولے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ سسکیوں نے جسم کے ڈھیر میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ دبلی پتلی اور نازک لڑکیاں کس لطیف اور سہانے انداز میں روتی ہیں، مگر بھابھی کو روتے دیکھ کر بجائے دکھ کی ہنسی آتی تھی، جیسے کوئی روئی کے بھیگے ہوئے ڈھیر کو ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہو۔ وہ ناک پونچھتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر ہم لوگوں نے روک لیا اور بھیا کو ڈانٹا، خوش آمد کر کے انہیں واپس بٹھا لیا۔ بےچاری ناک سڑکتے بیٹھ گئی، مگر جب انہوں نے کافی میں 3 چمچ شکر ڈال کر کریم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ سہمی ہوئی نظروں سے شبنم اور بھیا کی طرف دیکھا۔ شبنم بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھی اور بھیا مارے غصے کے رواں سے ہو رہے تھے۔ وہ ایک دم بھنا کر اٹھے اور جا کر برامدے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حالات اور بگڑے۔ بھابھی نے کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ کسی زمانے میں بھابھی کا پٹھانی خون بہت گرم تھا، ذرا سی بات پر ہاتھا پائی پر اتر آتی تھی، اور بھرا بھیا سے غصہ ہو کر بجائے منہ پھلانے کے وہ خونخوار بلی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی، ان کا منہ کھسوٹ ڈالتی، دانتوں سے گریبان کی دھجیاں اڑا دیتی۔ پھر بھیا انہیں اپنی بہوں میں بھیج کر بے بس کر دیتے، اور وہ ان کے سینے سے لگ کر پیاسی ڈری ہوئی چڑیا کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ پھر ملاپ ہو جاتا اور جھیپی کی سیانی وہ بھیا کے منہ پر لگی ہوئی کھروچوں پر پیار سے ٹنچر لگا دیتی، ان کے گریبان کو رفو کر دیتی، اور میٹھی میٹھی شکر گزار آنکھوں سے انہیں تکتی رہتی۔ یہ تب کی بات ہے جب بھابھی ہلکی پھلکی تیتری کی طرح ترار تھی، لڑتی ہوئی چھوٹی سی بلی معلوم ہوتی تھی۔ بھیا کو ان پر غصہ آنے کے بجائے اور شدت سے پیار آتا، مگر جب ان پر گوشت نے جہاد بول دیا وہ بہت ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ انہیں اول تو غصہ ہی نہ آتا، اگر آتا بھی تو فوراً ادھر ادھر کام میں لگ کر بھول جاتی۔ اس دن انہوں نے اپنے بھاری برکم ڈیل ڈال کو بھول کر بھیا پر حملہ کر دیا۔ بھیا صرف ان کے بوجھ سے دھکا کھا کر دیوار سے جا چپکے۔ روئی کے گٹھر کو یوں لڑکتے ہوئے دیکھ کر انہیں سخت گھن آئی، نہ غصے ہوئے نہ بگڑے، اداس سر چکائے کمرے سے نکل بھاگے۔ بھابھی وہیں پسر کر رونے لگی۔ بات اور بڑھی اور ایک دن بھیا کے سالے آ کر بھابھی کو لے گئے۔ تو فیل بھابھی کے چچا زاد بھائی تھے۔ بھیا اس وقت شبنم کے ساتھ کرکٹ کا میچ دیکھنے گئے تھے۔ تو فیل نے شام تک ان کا انتظار کیا۔ وہ نہ آئے تو مجبوراً بھابھی اور بچوں کا سامان تیار کیا۔ جانے سے پہلے بھیا گھڑی بھر کو کھڑے کھڑے آئے۔ دہلی کا مکان میں نے ان کے مہر میں دیے، انہوں نے رکھائی سے توفیل سے کہا۔ مہر؟ بھابھی تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں، طلاق کے کاغذات وکیل کے ذریعے پہنچ جائیں گے، مگر طلاق طلاق کا کیا ذکر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اور بچے؟ یہ چاہیں تو انہیں لے جائیں، ورنہ میں نے بورڈنگ میں انتظام کر لیا ہے۔ ایک چیخ مار کر بھابھی بھیا پر جھپٹی، مگر انہیں کھسوٹنے کی ہمت نہ ہوئی، سہم کر ٹھٹک گئی۔ اور پھر بھابھی نے اپنے نارتو کی پوری طرح بے آبروائی کروا ڈالی۔ وہ بھیا کے پیروں میں لوٹ گئی، ناک تک رگڑ ڈالی۔ تم مجھ سے اس سے شادی کر لو، میں کچھ نہ کہوں گی، مگر خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دو، میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ مگر بھیا نے نفرت سے بھابھی کے تھل تھل کرتے جسم کو دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ میں طلاق دے چکا، اب کیا ہو سکتا ہے، مگر بھابھی کو کون سمجھاتا، وہ بل بلائے چلی گئی۔ بے وقوف، تو فین نے ایک ہی چٹکے میں بھابھی کو زمین سے اٹھا لیا، گدھی کہیں کی چل اٹھ، اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کیا دردناک سما تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے میں ہم سب بھابھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ اماں خاموش ایک ایک کا منہ تک رہی تھی۔ ابا کی موت کے بعد ان کے گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی، بھیا خود مختار تھے بلکہ ہم سب کے سرپرست تھے۔ اماں انہیں بہت سمجھا کر ہار چکی تھی، انہیں اس دن کی اچھی طرح خبر تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ بھابھی چلی گئی، فضا ایسی خراب ہو گئی تھی کہ بھیا اور شبنم بھی شادی کے بعد ہل اسٹیشن پر چلے گئے، اور 7-8 سال گزر گئے، کچھ ٹھیک اندازہ نہیں۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں کی ہوئیں، اماں کا انتقال ہو گیا، آشیانہ اجڑ گیا، بھرا ہوا گھر سنسان ہو گیا، سب ادھر ادھر اڑ گئے۔ 7-8 سال آنکھ چپکتے نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ کبھی سال دو سال میں بھیا کی کوئی خیر خبر مل جاتی، وہ زیادہ تر ہندوستان سے باہر ملکوں کی چکفیریوں میں الجھے رہے، مگر جب ان کا خط آیا کہ وہ بمبئی آ رہے ہیں تو بھولا بسرا بچپن پھر سے جاگ اٹھا۔ بھیا ٹرین سے اترے تو ہم دونوں بچوں کی طرح لپٹ گئے۔ شبنم مجھے کہیں نظر نہ آئی، ان کا سامان اتر رہا تھا۔ جیسے ہی بھیا سے اس کی خیریت پوچھنے کو مڑی، تھپ سے ایک وزنی ہاتھ میری پیٹھ پر پڑا اور کئی من کا گرم گرم گوشت کا پہاڑ مجھ سے لپٹ گیا۔ بھابھی، میں نے پلیٹ فارم سے نیچے گرنے سے بچنے کے لیے کھڑکی میں جھول کر کہا۔ زندگی بھی میں نے شبنم کو کبھی بھابھی نہ کہا تھا، وہ لگتی بھی تو شبنم تھی، لیکن آج میرے منہ سے بے اختیار بھابھی نکل گیا۔ شبنم کی فہار ان چند سالوں میں گوشت اور پوست کا لوندا کیسے بن گئی؟ میں نے بھیا کی طرف دیکھا، وہ ویسے ہی دراز قد اور چھررے تھے، ایک تولا گوشت نہ ادھر نہ ادھر۔
जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आजाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। मगर ये नागिन इन्हें डसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मजा चखाएगी। मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही से चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में है, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को, उस फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम झुलसी हुई टस्याली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। उस शरबत खुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थी। पतली नागिन जैसे लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता ना था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखों जैसी बाहें मुग्धर हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा पाउडर थपा था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थी। भवे शायद गलती से ज्यादा नुच गई थी, तभी इतनी गहरी पेंसिल खिसनी पड़ी थी। भैया रिट्स में ठहरे, रात को हम डिनर पर वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिस्ट्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियां दे रही थी। उसके कूल्हे दायरों में लचक रहे थे। सुडौल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफॉन में से उसकी रुपहली टांगे हाथी दांत के तराशे हुए खंभों की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छुओं की तरह रेंग रही थी। वो बार बार अपने गुद्दे पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी जो कभी शबनम थी, मिस्ट्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो हवास पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसे मालूम हो रहा था जैसे किसी अनजाने नाक ने डस लिया हो। मिस्ट्री रक्कासे के कूले तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चकफेरियां खा रही थी। पांच बच्चों की मां शबनम, जो भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नजरों से उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ख हड़प कर रही थी। ऑर्केस्ट्रा ने भरपूर सांस खींची, सांस कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिस्ट्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निढाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताजा रस भरे और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरस रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिस्ट्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहे हैं। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं खुद उनकी लाश को खून में लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समेटकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नजर में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान, जहां जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियां रस्म और रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग, और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रस भरियों पर उंडेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंसम और मजलूम, सूर्य देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया, चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में बड़ी दम तोड़ रही थी और दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बरकरार थी।